110 साल पुराने पेड़ पर बनाई अनोखी लाइब्रेरी, दुनिया भर में रजिस्टर्ड है 75,000 फी छोटी लाइब्रेरी। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आपके लिए यह रोमांचक खबर हो सकती है। एक शख्स ने लगभग 100 साल पुराने पेड़ पर ही लाइब्रेरी बना डाली है। कई पुस्तक प्रेमियों किंडल या स्मार्टफोन पर मिलने वाली किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, लिहाजा लिटिल फ्री लाइब्रेरी संस्था ने एक क्रिएटिव लाइब्रेरी को पेश की है। करीब 100 साल पुराने पेड़ पर संस्था ने जो लाइब्रेरी बनाई है उसे देखकर आपका भी मन लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने का होने लगेगा। अमेरिका के इडाहो राज्य में एक आर्टिस्ट ने घर के बाहर सूखे पेड़ में छोटी लाइब्रेरी बनाई है। इसमें बच्चों की 70 से ज्यादा किताबें रखी हैं। आर्टिस्ट शार्ले इमिटेज होवर्ग ने बताया कि लाइब्रेरी को बनाने में $73 करीब ₹5,133 खर्च हुए हैं। लिटिल फ्री लाइब्रेरी एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में पुस्तकालयों के निर्माण और उनके कायाकल्प का काम करता है। शार्ले इमिटेज होवर्ग ने लिटिल फ्री लाइब्रेरी को अपने घर के पीछे लगे लगभग 100 साल पुराने पेड़ पर रचनात्मक तरीके से बनाया है। एक लाइब्रेरियन के रूप में वे एक आरामदायक सुंदर पढ़ने के माहौल के महत्व को समझती हैं। शार्ले इमिटेज ने फेसबुक पर लिखा कि हमें एक विशाल पेड़ को हटाना था जो 110 साल पुराना था और सड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे एक लाइब्रेरी में बदलने का फैसला किया। मैं हमेशा से यह करना चाहती थी। मैंने पूरे पेड़ के हटाने की बजाय उसे कुछ बेहतर बनाने में बदल दिया। लोगों को यह क्रिएटिविटी काफी पसंद आ रही है।